News 18, India. में बवाल किसने कराया? धामी अगर पागल हो गया, हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। आदत सी हो गई है इबादत गाहों को, पूजा घरों को बुलडोजर से गिरा दो। हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। हमारे मुल्क में अमन है, शांति है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने आज तक उन गुंडों, उन बदमाशों, उन आतंकवादियों का जवाब नहीं दिया है। सोची समझी एक साजिश है, जिस साजिश के तहत तौकीर रजा ने वहां पर तमाम नमाजियों को भड़काने का काम किया। अगर हुकूमत दंगा और फसाद चाहती है तो हम तैयार हैं, न पुलिस की लाठी से डरते हैं न गोली से डरते हैं। उत्तराखंड की जो सरकार है वो न्याय प्रिय ही काम कर रही है, किसी के साथ जाति नहीं कर रही। बाफी मस्जिद को कानूनी सहारा छोड़कर हिटलरी और तानाशाही के साथ कोट कोट को प्रोपोगेट किया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कल पत्थरबाजों ने पुलिस पर हमला किया, पेट्रोल बम फेंके, जिसके बाद प्रशासन वहां हालात सामान्य करने में जुटा है। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि देश में शांति रहे और वो खुलेआम एक समुदाय को भड़काने वाली बयानबाजी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का हल्द्वानी की घटना का लेकर ये बयान सुनिए, किस तरह उन्होंने पुलिस प्रशासन को धमकी दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर आपत्तिजनक बातें कही। पानी में बवाल किसने कराया? धामी अगर पागल हो गया, बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। तौकीर रजा ने आज ज्ञानवापी, मथुरा को लेकर कोर्ट के फैसलों और सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के विरोध में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि जिस तरह देश में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं वो अपने समर्थकों के साथ गिरफ्तारी देंगे और जेलों को भरेंगे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर था। लेकिन जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया और तौकीर रजा ने अपने बयान से पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की। उन्होंने हाल ही में हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले मौलाना सलमान अजहरी को रिहा करने की भी मांग की। अंदर अंदर बहुत पनप रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। मैंने ये छोटा सा काम करके लोगों के जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश की है और सेफ्टी वाल्व का काम किया है। मैंने उस प्रेशर को दूसरे रास्ते से निकाला है ताकि वो जो हमारे शहर का अमन खराब ना हो। हुकूमत को हमारा इसमें साथ देना चाहिए। अगर हुकूमत दंगा और फसाद चाहती है तो हम तैयार हैं, न पुलिस की लाठी से डरते हैं न गोली से डरते हैं। कुछ ही देर बाद ही तौकीर रजा के भड़काऊ बयानों का असर भी दिखने लगा। बरेली के श्यामगंज बाजार में कुछ लोगों ने पत्थरबाजी करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने थोड़ी देर में उपद्रवियों पर काबू पा लिया। मतलब हल्द्वानी से बरेली तक लोगों को भड़काने की कोशिश जारी है और इसको लेकर सियासत भी खत्म नहीं हो रही। आदत सी हो गई है इबादत गाहों को, पूजा घरों को बुलडोज कर दो, बुलडोजर से गिरा दो। न जाने कितने मंदिर गिराए गए, जो पचासों साल से सैकड़ों साल से बहुत से लोगों की आस्था और श्रद्धा थे। मजार कितनी तोड़ी गई, कोई गिनती है भाजपा सरकार में? सोची समझी एक साजिश है, जिस साजिश के तहत तौकीर रजा ने वहां पर तमाम नमाजियों को भड़काने का काम किया, उनको सड़क पर निकालने का काम किया। कानून अपना काम करेगा, कानून के खिलाफ जो भी आएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और जहां तक बात की जाए तौकीर रजा की, तो ये कांग्रेस के इशारे पर तौकीर रजा ने काम किया है। सीधी तौर पर आप कानून हाथ में लेंगे, आपको जेल जाना होगा। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ योगी सरकार में किसी को नहीं करने दिया जाएगा। ये साफ तौर पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमने काम किया है और उसी पर आगे कार्रवाई भी होगी। और जो भी लोग उस उपद्रव में शामिल हैं,
अगर बाहर से आए थे वो भी जांच करेगी वहां की एजेंसियां, और जांच करने के बाद उन पर भी कार्रवाई होगी, और तौकीर रजा पर तो डेफिनेट कार्रवाई होगी होगी। यहां की आस्था केवल तीन के लिए बात कर रही है। तो मंदिर तोड़कर उन्होंने मस्जिद बनाई औरंगजेब ने, और यही काशी विश्वनाथ के साथ बनारस में हुआ। अन्याय वही जुल्म वही जाति वही बेईमानी अब जनव्यापी के साथ करने जा रहे हैं ये लोग। 30 से अब 30 साल हो गए, उसमें मूर्तियां कहां हैं कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। इरफान हबीब साहब खुद कह रहे हैं कि काशी और मथुरा में मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदें तसव्वुर नहीं तारीखों में दर्ज हैं। इरफान हबीब देश के प्रख्यात इतिहासकारों की फहरिस्त में शामिल है। एक इतिहासकार का काम होता है अतीत की परतों को खोदकर वो प्रमाण लाना जो तारीख का हिस्सा रहे हैं। लेकिन इरफान हबीब ज्ञानवापी और मथुरा ईदगाह कभी मंदिर थे और उन्हें औरंगजेब ने गिराया ये कहते हुए भी साथ में ये कह देते हैं कि 300 साल पहले अगर मस्जिद बना ली गई तो बना ली गई, अब उसे वहां से हटाने का क्या मतलब? बात तारीख में हो गई वो हो गई, वो भी अब जो मस्जिद हैं वो 300 साल से ज्यादा पुरानी है। ये भी तो कोई आर्कियोलॉजी में किसी भी इमारत को जो इतनी पुरानी हो तोड़ना नहीं चाहिए, मस्जिद हो या मंदिर हो या कोई भी घर हो, अगर 300 साल पुराना है तो उसको छूना नहीं चाहिए। ये वही इरफान हबीब है जिन्होंने इतिहासकार के तौर पर ये साबित करने के लिए अपनी कलम घिस डाली कि अयोध्या में कभी राम मंदिर था ही नहीं। इरफान हबीब पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने राम मंदिर पर वो नैरेटिव गढ़ा जो वामपंथियों को सूट करता था, सनातन विरोधियों को सूट करता था। लेकिन आज वही इरफान हबीब मान रहे हैं कि काशी और मथुरा में मस्जिदें मंदिरों को गिराकर बनाई गई थी। के जमाने में मथुरा में एक बहुत बड़ा मंदिर बना था बीर सिंह बुंदेला, जो जहांगीर के जमाने में बड़े राजा थे बुंदेलखंड के। तो मंदिर तोड़कर उन्होंने मस्जिद बनाई औरंगजेब ने, और यही काशी विश्वनाथ के साथ बनारस में हुआ। वो इतना बड़ा मंदिर नहीं था। लेकिन वो ये कहने से अब भी नहीं चूकते कि सरकारें और अदालतें 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नजरअंदाज कर रही हैं। ये वही भाषा है जो ज्ञानवापी के मंदिर होने के सबूत आने के बाद से असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी बोल रहे हैं, शफीकुर रहमान बर्क समेत वो तमाम लोग भी बोल रहे हैं जो खुद को देश के मुसलमानों का ठेकेदार मानते हैं। बाबरी मस्जिद को हमने सब्र कर लिया, बाबरी मस्जिद का हम जिक्र भी नहीं करना चाहते। इस अन्याय को हमने इसलिए बर्दाश्त किया कि हम अपने मुल्क में फसाद नहीं चाहते थे। वही अन्याय वही जुल्म वही ज्यादती वही बेईमानी अब ज्ञानव्यापी के साथ करने जा रहे हैं ये लोग। जुल्म और सितम की हद की हुई है, मुसलमानों को लिंचिंग की जा रही है, मुसलमानों को बेइज्जत किया जा रहा है, तमाम लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही है, देश को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, देश को खोखला बनाने का काम किया जा रहा है। इन तमाम तकलीफों परेशानियों के खिलाफ हमने ये तय किया है कि हमारी मौजूदगी में ये सब हो रहा है तो या तो हमें मर जाना चाहिए या हमें गिरफ्तार हो जाना चाहिए। हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्याल सलाह और हय्याल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठ कर सलात और सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन देश की अदालतें बार बार कह चुकी हैं कि इस कानून का मतलब ये नहीं कि ये भी पता ना लगाया जाए कि किसी विशेष जगह का धार्मिक चरित्र क्या है, और जब धार्मिक चरित्र तय हो जाएगा तो ये भी तय हो जाएगा कि मथुरा और काशी पर किसका दावा सही है और किसका गलत। लेकिन जो लोग देश में अशांति चाहते हैं वो बिना सिर पैर के विरोध में जुटे हैं, और ऐसे ही लोगों को जब कोई रास्ता नहीं सूझता तो वही हरकत पूरे देश में दोहराने की कोशिश होने लगती है जो हल्द्वानी में हुई।